अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है हनुमानगढ़ से आशुकी जी। आप पुलिस के अभ्यर्थी हैं और कान से संबंधित तकलीफ के लिए, टिम्पनिक परफोरेशन के लिए आपका लगभग 1.5 महीने पूर्व ऑपरेशन हुआ था और आज हम ऑपरेशन के लगभग 1.5 महीने बाद देखना चाहेंगे कान की क्या स्थिति है। सबसे पहले हम कान को बाह्य रूप से देखना चाहेंगे। बालों को पेपर साइड में कर दें, ठीक है। यह हम कान को पिछले हिस्से दिख रहे हैं, कान का बाह्य हिस्सा। यह किसी प्रकार का चीरा कट टांका निशान नहीं है। जूम करें और पास से दिखाएं, क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक विधि से ट्रांसकैनल ट्रांसमीटर अप्रोच से हुआ था, ठीक है। और अब हम कान के आंतरिक हिस्से को देखना चाहेंगे, ठीक है। यह हमें जेल फॉर्म के रेमिनेंट्स दिखाई दे रहे हैं और ये पूरा पहले यहाँ छेद था, देख पा रहे हैं, ये यहाँ पूरा नया पर्दा बन गया है, ठीक है। इससे आगे नहीं करेंगे आज के जी, थोड़ा सा बस। फैंटास्टिक, ये पूरा जो वाइट और पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, ये पूरा नया पर्दा है, ग्राफ्ट रखता है ये। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपका ये मेडिकल पॉइंट जो था टिम्पैनिक परफोरेशन का, वो रिजल्व हो गया, ग्राफ्ट रखते कम्प्लीट है। अब आपका यह समय कैसा रहा, इस बारे में कोई आप टिप्पणी करना चाहें? मैं ठीक रहा, कान में कोई दर्द वगैरह नहीं हुआ ऑपरेशन के बाद। बहुत सारी महिला अभ्यर्थी यहाँ ऑपरेशन कराना चाहती है पर उनके मन में कुछ कहीं ना कहीं एक शंका है कि ऑपरेशन में न जाने कितना बड़ा चीरा लगेगा, कितने टांके लगेंगे, कितना दर्द होगा ऑपरेशन के बाद में, मैं दर्द को कैसे सहन करूँगी। ऐसा कुछ नहीं है, दर्द नहीं होता है बिल्कुल भी, ऑपरेशन किया तब भी नहीं हुआ, बाद में भी नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑपरेशन हुआ और दर्द नहीं हुआ, ऑपरेशन के दौरान भी नहीं हुआ, बाद में भी नहीं हुआ है? तो ये सब आपके सहयोग से हो पाया, आप बहुत सहनशील हैं, आपने अच्छे से कोऑपरेट किया, इस वजह से ये ऑपरेशन हो पाया। और अब हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप तेज़ी से अपने कैरियर में आगे बढ़ें और कैरियर की उच्चतम ऊंचाइयों को, शिखर को हासिल करें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।